बच्चों आज की क्लास में बताने जा रहा हूँ कि व्हाट शुड बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लास 11 केमिस्ट्री फिजिकल और इनऑर्गेनिक के टॉपिक हमें किस सीक्वेंस में पढ़ने चाहिए ताकि मैक्सिमम आउटपुट आए। तो ये सीक्वेंस नीट के और जेई के दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है, ठीक है। तो क्लास 11 में जब बच्चा आता है क्लास 10 करने के बाद, तो उसे पता होना चाहिए कि मैं किस सीक्वेंस में मुझे ये टॉपिक करने हैं। और ये सीक्वेंस एक्चुअली वो है जो कोटा की कोचिंग में फॉलो किया जाता है बैचेस में। तो सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ाया जाता है वो है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का बैकबोन चैप्टर है और ये करना जरूरी है, पूरा मैथमेटिकल चैप्टर है ये, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट जो है वो पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर हम सीखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको जो है कॉन्फिगरेशन लिखना सिखाया जाता है, जिसका काम होगा तीसरे चैप्टर पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो एटॉमिक के खत्म करने के बाद आप पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल एक बेसिक नॉलेज वाला चैप्टर है कि इनऑर्गेनिक में कमांड करना है तो पीरियोडिक टेबल अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल की जो नॉलेज है उसका यूज करते हुए हम चौथा चैप्टर सीक्वेंस में पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक का, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद अगला फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है गैसीय स्टेट, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, देन सीक्वेंस में आयनिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, केमिकल के बाद ही आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है, ध्यान रहे, ठीक है। और इन दोनों चैप्टर के बाद ही हम थर्मोडायनामिक्स पे हाथ डालेंगे, ठीक है। ये करने के बाद ये फिजिकल के टॉपिक खत्म हो गए। इसके बाद दो टॉपिक हमारे और बचते हैं इनऑर्गेनिक के, एस ब्लॉक बोरोन एंड कार्बन फैमिली। तो एस ब्लॉक और बोरोन एंड कार्बन फैमिली के लिए आपको पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग अगर अच्छे तरीके से किए हुए हैं तो बहुत ही आपको मदद इसमें मिलने वाली है, ठीक है। तो क्लास 11 के बच्चे चाहे जेई की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, इस सिक्वेंस को फॉलो करें, ठीक है। थैंक यू।